colleges in Mumbai के बारे में. So hi, my name is Arshi Khan and you're watching MBA with Arshi Khan. यार इस वीडियो को बनाने से पहले मैं इसके कंटेंट को रिव्यू कर रही थी और बहुत झोल झाल है कंटेंट में, ट्रस्ट मी ऑन दिस, पर मैंने कुछ भी हटाया नहीं है. अब ये नहीं हटाने के पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि जिस भी कंटेंट राइटर ने इस कंटेंट को क्रिएट किया, इन स्लाइड्स को क्रिएट किया, उसने भी इंटरनेट पे कहीं ना कहीं सर्च किया, जैसे कि आप सारे स्टूडेंट्स करते हैं. और होता क्या है, उसमें हम कई बार मैन्युपुलेट हो जाते हैं या फिर ऑनलाइन जो इंफॉर्मेशन दी है हम उसके बेसिस पे उन कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट कर देते हैं. तो दैट इज द रीजन दिस इज अ नॉन एडिटेड कंटेंट, राइट. मैं पर आपको गाइड करूंगी उनमें से कौन से ऑप्शन सही हैं, कौन से ऑप्शन नहीं सही हैं, तो वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. शुरू के कॉलेजेस डेफिनेटली टॉप में आते हैं, बट बाकी में फिर आप टॉप की लिस्ट में नहीं रख सकते. तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट कॉलेज जो कि SPJN मुंबई है, जिसके बारे में आई थिंक एवरीबडी नोज, राइट. सो दिस इज वन ऑफ द कॉलेजेस जो कि प्रोफाइल बेस्ड कॉल्स भी देता है और साथ ही साथ स्कोर के बेसिस पे कॉल भी देता है. रैंक 6 पे आता है, ग्रेड AAA है, राइट. SPJN इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च PGDM कराता है. फीस स्ट्रक्चर जो है वो 19 लाख 20 लाख के आसपास पड़ता है. एवरेज सैलरी जो है वो 26 लाख पर एनम का है इस कॉलेज का. एंड यस, दैट वाज SPJN मुंबई एंड दैट इज द रीजन यू नो इट इज अमंग टॉप MBA कॉलेजेस इन इंडिया. नेक्स्ट वी हैव यू नो NMIMS मुंबई, राइट. इफ यू टॉक अबाउट NMIMS मुंबई, दैट स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट, इसकी रैंक टॉप 10 कॉलेजेस में है. इन मैट के बेसिस पे एडमिशन रहता है, लेता है. उसके अलावा 20 लाख 80 हजार के आसपास का फीस स्ट्रक्चर है. एवरेज पैकेज 18 लाख का है, राइट. और आई थिंक एक और प्लेसमेंट डाल दिया है विच इज नॉट रेलिवेंट, बट देयर एवरेज पैकेज इज अराउंड 18 लाख 33 थाउजेंड. मूविंग टू द थर्ड इंस्टीट्यूशन, दैट इज शेरिश जी मेहता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज IIT बॉम्बे, राइट, विच इज अगेन फॉर startups, for entrepreneurs, for creativity, for clubs, and yes, it is there in the list. मुझे लगता है मेरे हिसाब से first position का कॉलेज है. मैंने कोई सीक्वेंस नहीं रखा है, मैं अगेन बोल रही हूँ जो भी कंटेंट है दैट इज अनएडिटेड. और ये मैंने इसलिए नहीं एडिट किया ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि जब स्टूडेंट्स गूगल पे सर्च करते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स पे जाते हैं, तो उनके साथ क्या होता है जो हमारी कंटेंट टीम के साथ हुआ. Though, because I'm counseling, that is the reason, you know, I was able to understand कि यार ये कॉलेज तो होना ही नहीं चाहिए था, या ये सही है या नहीं है. तो IIT बॉम्बे की अगर हम बात करें, 8 लाख 30 थाउजेंड फीस स्ट्रक्चर, which is comparatively on a very lower side when it comes to IIMs, and average package is around 19 लाख. तो भाई तुम्हें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तुम्हें अच्छा क्राउड, तुम्हें अगर अपना खुद का स्टार्टअप करना है, आई मीन ऑल द गुड थिंग्स व्हेन इट कम्स टू योर किटी. देन वी हैव निटी मुंबई में. आज एक स्टूडेंट से बात करी थी, हिज नेम वाज फैजान, एंड हिज ड्रीम कॉलेज इज दिस, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग. फॉर ऑल द इंजीनियर्स सिटिंग आउट देयर, शाउट आउट, दिस इज वन ऑफ द कॉलेजेस जो कि जहाँ पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट स्पेशली देखते हैं, एंड उनको अगर IITs IIMs कोई बहुत अच्छे नहीं मिलते हैं तो दे कीप दिस इन द ऑप्शन. क्यों रखते हैं आप, एवरेज सैलरी देखो, इट इज 19 लाख 95 थाउजेंड, राइट. एंड एवरेज फी स्ट्रक्चर जो है, एवरेज फी स्ट्रक्चर इज अराउंड 12 लाख 58 थाउजेंड व्हेन इट कम्स टू NIT मुंबई. सो हम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. कॉलेजेस के बाइफर्केशन थोड़े से डिफिकल्ट हो जाएंगे, पर अभी तक तो सारे कॉलेजेस जो हैं वो अच्छे ही हैं. तो विद दिस मूविंग टू द CU फैक्ट्री कॉलेज, द ROI किंग कॉलेज आफ्टर FMS, दैट इज JBIMS मुंबई, जमना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज. नो इंटरव्यू, दैट इज थ्रू कैट काउंसिलिंग, कैट, महाराष्ट्र CT, बहुत सारे एंट्रेंस के बेसिस पे आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं. अगर हम बात करें तो यू नो 6 लाख का फीस स्ट्रक्चर है. एवरेज पैकेज जो है वो 18 लाख 91 थाउजेंड का, इट इज 300% के आसपास का कॉलेज का ROI है. देन वी हैव KG Somaiya इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इट इज अगेन अ डिसेंट कॉलेज, 9-10 लाख 8-9 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज है KG Somaiya का. यू नो एवरेज पैकेज देखोगे 9 लाख 41 थाउजेंड का फीस स्ट्रक्चर जो है 18 लाख. थोड़ा सा रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट दिक्कत है, बट कॉलेज का ब्रांड वैल्यू, कॉलेज के फैकल्टीज, ऑल इन ऑल इज गुड, राइट. देन वी हैव वेलिंकर विच इज नोन एज V स्कूल मुंबई, प्रोफाइल बेस्ड कॉल्स देता है. इसका एवरेज पैकेज भी 8-9 लाख के आसपास का है, राइट. काफी नोन है इनका, बैंगलोर में भी कैंपस है. अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात करें तो यू नो इट इज अराउंड 13-14, आई थिंक फी स्ट्रक्चर थोड़ा सा कम हो सकता है. एन एवरेज 9 लाख 25 हजार क्लेम करते हैं, बट इट इज अराउंड 7-8 लाख रुपीज व्हेन इट कम्स टू मुंबई. देन वी हैव BITS स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि BITS का भाई ये नया कॉलेज है. कैन यू जस्ट इमेजिन, राइट आफ्टर वेलिंकर, सिमशरी भी इसके पीछे टीम में रखा है. तो आई एम टेलिंग यू कि ये कॉलेज आप देख सकते हैं, अगर आप इसको देख रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, बिकॉज ये अभी नया कॉलेज है. प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें तो प्लेसमेंट्स एज सच आपको अभी मतलब बैच निकलेगा, तो ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स टू टॉप की लिस्ट में तो आप इसको टॉप में तो नहीं रख सकते, आप नीचे रख सकते हैं जहां पे आपके पास
उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, उसमें इसको कहाँ रखना है वो आपकी प्रोफाइल पर डिपेंड करेगा। मेरी कोई हेल्प चाहिए नीचे जो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है उसको फिल करके डिटेल्स ले सकते हैं। मैं तुम्हें फिर वही बता रही हूँ, यही होता है जब तुम ऑनलाइन सर्च कर रहे होते हो। मैंने क्यों इसको नहीं डिलीट किया, क्यों तुम्हें मैं बता रही हूँ, ताकि तुम समझ सको कि जब वो कंटेंट राइटर अगर उसे ही इज लाइक स्टूडेंट, वो ऑनलाइन सर्च कर रहा है कौन से कॉलेजेस अच्छे होंगे मुंबई में, कौन से कॉलेजेस पुणे में अच्छे होंगे, और वो ऐसे ही किसी ना किसी कॉलेज पे जो कि टॉप में नहीं भी होता है या फिर उसकी प्रोफाइल के हिसाब से अच्छा नहीं होता है लैंड कर देते हैं। देन वी हैव इंटरनेशनल मास्टर्स ऑफ बिजनेस व्हिच इज अंडर एसडी बॉकनी। मुझे लगता है इसको भी बहुत नीचे होना चाहिए था, बहुत ज्यादा इस कॉलेज का बोलबाला है बिकॉज ये इनका एशिया सेंटर है, ये कॉलेज एग्जैक्टली एक इंटरनेशनल कॉलेज है। अगर हम इसके एवरेज सैलरी की बात करें 11 लाख क्लेम करता है, विच इज नॉट एट ऑल देयर, which is not at all there because you know Willinker is giving 8 से 9 लाख का पैकेज, सोमाया भी, but यहाँ पे students का CAT में और भी कम score है तो उनको admission मिल जाता है। 18 lakh 60,000 is the fee structure, so narrow down it to बहुत नीचे। अगेन आई एम टेलिंग यू इफ यू आर लुकिंग फॉर एसडीए और इससे पहले जो कॉलेज हमने देखा था उसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, उसमें कहीं ना कहीं एनालाइज करना है देन फाइनलाइज करना है। तो आई वुड से दैट आप एसडी बॉकनी रख सकते हो बट नॉट ऑन द टॉप लिस्ट। वी हैव सिमशरी मुंबई यार, कैन यू जस्ट इमेजिन बिट्स के बाद, बिट्सॉम के बाद एंड दिस एसडीए बॉकनी के बाद सिमशरी डाला है, आई वाज लाइक व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, सो दैट व्हाट आई एम सेइंग। तो बॉस सिमशरी जो है अगेन एमएमएस कराता है, नो इंटरव्यू, कैप के थ्रू एडमिशन रहता है, कैट जैट सीमैट के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। मात्र 1.5 लाख का भी फी स्ट्रक्चर नहीं है, एवरेज सैलरी 10,84,000 व्हिच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट? एंड दैट व्हाट आई एम सेइंग कि यार बहुत अच्छा कॉलेज है, रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट में फीमेल्स है तो उनको स्कॉलरशिप भी देती है जो इनकी ट्रस्ट है, जो इनका एलुमनाई नेटवर्क जो है रन करता है। देन वी हैव विजय पाटिल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, डीवाई पाटिल, आई डोंट थिंक सो फॉर एमबीए इट्स गुड ऑप्शन, इट इज आई थिंक बिलो एवरेज, मतलब जिनको कैप में कोई बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है तो मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगी इन द टॉप लिस्ट, बट तुम्हें चाहिए तो तुम एक बार देख सकते हो। देन वी हैव एसआईएस, एसआईएस फॉर एमएमएस इट इज अमंग टॉप 5 कॉलेजेस इन मुंबई, राइट? पीजीडीएम के लिए भी आप कंसिडर कर सकते हो, राइट? पर इफ यू हैव एसआईएस इन योर लिस्ट, आपके लिस्ट में आईटीएम भी हो सकता है, आईबीएस भी हो सकता है या फिर यूबीएस मुंबई भी हो सकता है। तो बॉस जब आप इस कॉलेज को देखोगे तो बहुत सारे ऑप्शन है, उनमें से इसको कहां रखना है वो आपको देखना है। अगर आप एमएमएस के लिए देख रहे हो तो फिर आप देख सकते हो बिकॉज उसमें आरओआई कहीं है, क्योंकि एवरेज सैलरी 7,28,000 क्लेम करते हैं जो कि कंपैरेटिवली थोड़ा सा फ्लक्चुएशन यहाँ पे भी रहेगा। 9 लाख का फी स्ट्रक्चर, आई थिंक उन्होंने पीजीडीएम का फी स्ट्रक्चर बताया है, एमएमएस का जो है वो काफी कम है। सो दैट्स माय पर्सनल एडवाइस। एंड वी हैव आईटीएम नवी मुंबई, अगेन एसआईएस आईटीएम में यूबीएस आईबीएस, राइट? ये सारे कॉलेजेस आ जाते हैं, ठीक है, जिनको आप रख सकते हो। इसका एवरेज पैकेज 7,50,000 क्लेम करते हैं एंड 10,45,000 का फी स्ट्रक्चर है। इनके बहुत सारे कैंपस है, एक इनका कैंपस खारघर में है, एक नवी मुंबई में है। एंड एसआईएस से ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा व्हेन इट कम्स टू दिस, जस्ट दैट इनटेक ज्यादा है तो इनटेक कम वाले कॉलेजेस भी आप कंसिडर कर सकते हैं, यू नो। देन वी हैव चेतना, चेतना अगेन एमएमएस के लिए आप रख सकते हो, पीजीडीएम के लिए देखोगे एवरेज 5.5 लाख के आसपास का है, राइट? तो मुझे लगता है कि अगर तुम्हारा ये है कि तुम एमएमएस करना है तो तुम डेफिनेटली रख सकते हो, बट पीजीडीएम है तो उस हिसाब से 5,75,000 तो क्लेम ही कर रहे हैं, 5 लाख भी मानोगे तो दैट इज ऑन अ वेरी लोअर साइड। देन वी हैव वीबीएस, आई डोंट थिंक सो यू शुड कीप दिस आइदर फॉर एमएमएस और बिकॉज अगेन, राइट? अगर आप एमएमएस के लिए जा रहे हो तो टॉप 3, 4, 5 में जाओगे तो कम से कम प्लेसमेंट मिल जाएगा, यहाँ पे प्लेसमेंट रेशो थोड़ा सा कम है, राइट? देन अगेन ये रैंकिंग 6 लाख का एवरेज पैकेज क्लेम कर रहे हैं। वी हैव एमईटी मुंबई विच इज इन बांद्रा, राइट? जॉन इब्राहिम इज वन ऑफ द एलुमनाइज ऑफ दिस कॉलेज, कॉलेज का एक्सपोजर अच्छा है, राइट? एमएमएस के लिए आप देख सकते हो, पीजीडीएम के लिए भी आप देख सकते हो, पर फिर वही कि ये कॉलेज पीजीडीएम के लिए देखोगे तो यू हैव दिस आईटीएम, यू हैव दिस एसआईएस, यू हैव दिस यू नो आईबीएस, यू हैव दिस यूबीएस मुंबई, और उनमें से कहीं ना कहीं इसको शॉर्टलिस्ट करना है। आरओआई जो एवरेज पैकेज है वो कंपैरेटिवली उन सभी कॉलेजेस से काफी कम है, 7,50,000 क्लेम करते हैं बट इतना इन रियल नहीं है, ठीक है? विद दिस मूविंग टू द नेक्स्ट कॉलेज आईएएस व्हिच इज अगेन अमंग टॉप कॉलेजेस फॉर एमएमएस, राइट? यहां
पे मुंबई में एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि बहुत सारे कॉलेजेस एमएमएस भी कराते हैं, नाउ दे स्टार्टेड ऑफरिंग पीजीडीएम आल्सो। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप पीजीडीएम के लिए कॉलेजेस देख रहे हैं तो यू शुड गो फॉर ऑप्शन जो कि थोड़ा सा नेशनल लेवल पे नोन हो, नॉट स्टेट लेवल फोकस्ड कॉलेजेस। सो भाई इसमें ये एवरेज जो पैकेज है वो 22 लाख तो नहीं हो सकता, आई थिंक ये भी फिर कुछ ना किसी ना किसी ने कंटेंट राइटर ने एसपी जन मुंबई को डाल दिया है बॉस, गजब है भाई, वो स्लाइड ही गड़बड़ थी। तो भाई स्किप अपार्ट अगर हम आईएएस की बात करें तो 5-6 लाख का एवरेज होगा और फीस जो है वो 8-9 लाख के आसपास उनकी पीजीडीएम की फीस होगी। सो देन वी हैव कोहिनूर बिजनेस स्कूल एंड मैनेजमेंट, कोहिनूर मैनेजमेंट ऑफ स्कूल, राइट, वट एवर इट इज, राइट, ये भी मुंबई का स्टेट लेवल कॉलेज है। अगर आप स्टेट लेवल में एमएस करना चाहते हैं, आपको नहीं मिल रहा है परसेंटाइल पे, तो आप देख सकते हैं पीजीडीएम के लिए मुझे लगता है कि आपको कुछ और ऑप्शन को एक्सप्लोर करना चाहिए। दिस इज माई पर्सनल पीस ऑफ एडवाइस। रेस्ट एवरेज पैकेज 4,50,000 का है। देन वी हैव दुर्गा देवी सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। भाई मैंने तो नहीं सुना है नाम, तो मतलब आई के नॉट कमेंट ऑन इट, तो तुम चाहो तो तुम देख सकते हो, पर मुझे नहीं लगता कि इस ऑप्शन को कंसिडर करना चाहिए। देन एमकेईएस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च, इसका भी नाम मैंने नहीं सुना है। भाई तुम इंफॉर्मेशन चाहो तो चेक कर लो, मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रही हूं, दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्क्रॉल फॉर कॉलेजेस ऑनलाइन। बी वेरी स्पेसिफिक, गो थॉरली, टॉक टू द स्टूडेंट्स बिफोर टेकिंग एडमिशन, हैव अ हैंड्स ऑन रिसर्च, बिकॉज भाई 10-12 लाख 15 लाख का तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है, तुम नहीं सोचोगे तो कोई कैसे सोचेगा। कोई हेल्प चाहिए तो जरूर तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हो। देन वी हैव विजय भूमि यूनिवर्सिटी। विजय भूमि इज आई थिंक IFIM का कॉलेज है, MBA कराता है, काफी लग्जरियस काइंड ऑफ कॉलेज है, कैंपस अच्छा है, फैकल्टीज ठीक है, प्लेसमेंट्स तुम्हें चेक करने पड़ेंगे एंड दैट इज समथिंग व्हाट यू कैन लिक। एंड अगेन भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, मैंने नाम सुना है भारतीय विद्यापीठ का, बट इनके पूरे वाली यूनिवर्सिटी का नाम ज्यादा है। यहाँ पे प्लेसमेंट्स 4.5 लाख का है, और कम हो सकता है, तो ये सोच समझ के तुम एडमिशन ले सकते हो। गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बस 3.5 लाख का एवरेज पैकेज है, सोच लो तुम्हें जाना है नहीं जाना है। मैं तुम्हें फिर वही बता रही हूँ, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस तुम्हें ऑनलाइन मिलेंगे जिसको अगर तुम नहीं सोचोगे तो तुम्हें दिक्कत होगी। MET ग्लोबल बिजनेस स्कूल, MET का मुंबई में कैंपस है, इट्स नॉट लाइक वाइड स्प्रेड कैंपस, इट्स लाइक एक बिल्डिंग में देयर इज अ काइंड ऑफ फ्लोर, बट अगर आप ROI के हिसाब से देखोगे तो आप रख सकते हो MET को एज ए ऑप्शन। फीस 6,60,000 है, एवरेज पैकेज मेरे हिसाब से 5-5.5 लाख के आसपास का होगा। IBS मुंबई, राइट, IBS मुंबई अगेन एक फाई हैदराबाद के बाद जो सेकंड मोस्ट डिमांडेड कैंपस होता है वो मुंबई होता है। बहुत सारे इससे पहले कॉलेजेस हैं जिनसे ये बेटर है, बट भाई बहुत बाद में डला है बिकॉज इंटरनेट पे भी बहुत बाद में होगा। इसके साथ साथ एक और कॉलेज है जो मिसिंग है, जो कि मुंबई में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, दैट इज UBS मुंबई यूनिवर्सल बिजनेस स्कूल, दैट इज ऑल्सो अ डिसेंट ऑप्शन। बट अगेन व्हेन यू आर सर्फिंग फॉर ऑल दीज ऑप्शंस, आपके पास बहुत सारे कॉलेजेस है, क्योंकि ये कॉलेज बहुत सारे इंटरनेशनल कोर्सेज भी कराता है विच इज कंपैरेटिवली गुड, बट फॉर PGDM आपके पास IBS, UBS, ITM, then SIES, इनसे कहीं ना कहीं कंपैरिजन जो है वो आपको करना है। भाई 6.5 लाख का एवरेज पैकेज क्लेम करता है, इंटेक ज्यादा है, PGPM कराता है, उस हिसाब से तुम देख सकते हो। देन भाई ये है रेजेनेसिस, भाई बहन जो भी है, मैंने इस कॉलेज का भी नाम नहीं सुना है एंड हो सकता है बहुत सारे स्टेट लेवल के लिए बच्चे देखते हो। मैं फिर बता रही हूँ, आप सोच रहे होगे कि आपने ये टॉप कॉलेज का वीडियो बनाया, आप ये सब क्यों बता रहे हो जो वो कॉलेज को आप ही नहीं जानते हो। आई एम अगेन टेलिंग यू द रीजन फॉर मेकिंग दिस वीडियो इज व्हेनेवर वी एज अ स्टूडेंट वॉच ऑल दीज, यू नो, बिकॉज हमें ज्यादा नॉलेज नहीं कि मुंबई में कौन से कॉलेजेस है, पुणे में कौन से हैं, हम गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं, जो उनके साथ हुआ भाई आपके साथ होता है वहां पे, यहाँ पे तो वो थोड़ा सा रिसर्च भी कर रहे होते हैं। आप यू नो ने देख लिया कि यार ये लिस्ट में ये टॉप कॉलेज है, चलो मैं यहाँ पे एडमिशन ले सकता हूँ, तो बस सोच समझ के एडमिशन लेना है, राइट, और देख के लेना है कहीं ना कहीं ये कॉलेज में। मूविंग टू एटलास स्किल टेक यूनिवर्सिटी मुंबई, अगेन 22,80,000 क्लेम कर रहे हैं, बट आई हैवंट हर्ड मच अबाउट दिस इंस्टीट्यूशन फॉर MBA स्पेसिफिकली, आप चाहो तो आप एक बार चेक कर सकते हो। बॉस दिस इज देवी प्रसाद गोइंका, आई हैवंट हर्ड दिस, इसको भी लिस्ट में से आप हटा सकते हैं, एंड दैट वॉज ऑल अबाउट दिस कॉलेज। आई थिंक UBS मुंबई स्किप मिस था, वो भी होना चाहिए था अगर आप मुंबई में कॉलेजेस देख रहे हैं। सो दिस वॉज अ वीडियो ऑफ ऑन टॉप MBA कॉलेजेस इन मुंबई, शुरू के डेफिनेटली टॉप में थे, बाकी में बहुत सारे ऑप्शन है जिनको रखना चाहिए जिनको नहीं रखना चाहिए। तो भाई मेरी कोई हेल्प चाहिए तो आई एम ऑल देयर, आई कैन कनेक्ट यू विद दी स्टूडेंट्स, आई कैन हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ शॉर्टलिस्टिंग राइट दी स्कूल। सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.